नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। आपको बता दें तो दोपहर 2:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कलेक्ट्रेट सभागार में होगा कार्यक्रम का आयोजन, ये बैठक और विभागीय योजनाओं की सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5:30 बजे कैंप कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचेंगे सीएम धामी, कलेक्ट्रेट सभागार में होगा कार्यक्रम। ये बैठक का आयोजन किया गया है, विभागीय योजनाओं की सीएम समीक्षा बैठक लेंगे। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। दोपहर 2:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचेंगे सीएम धामी, कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है, विभागीय योजनाओं की समीक्षा लेंगे। समीक्षा बैठक कर शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री कम कार्यालय पहुंचेंगे सीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दोपहर 2:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचेंगे सीएम धामी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन जो है वो हो रहा है, विभागीय योजनाओं की सीएम समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 5:30 बजे कम कार्यालय पहुंचेंगे सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, विभागीय योजनाओं की सीएम लेंगे समीक्षा बैठक। शाम 5:30 बजे कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 2:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचेंगे सीएम धामी, इस वक्त की बड़ी खबर। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन होगा, ये बड़ी खबर। विभागीय योजनाओं की सीएम समीक्षा बैठक लेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। तो शाम 5:30 बजे कैंप कार्यालय में कार्यक्रम है। सुभाष बटौनी संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुभाष, उत्तरकाशी दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं, 2:20 पे उन्होंने जोशाड़ा कंसेड हेलीपैड पे उतरना है। उसके बाद वो सड़क मार्ग से कलेक्ट्रेट परिसर में जाएंगे, जहां वो विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। और उसके बाद वो 4:00 बजे काशी विश्वनाथ और मां शक्ति मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद वो सीधे 4:40 पे यहाँ से हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे। सुभाष, क्योंकि कई कार्यक्रम प्रस्तावित यहाँ पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, उनके आगमन को लेकर क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को आगे लेकर, क्योंकि कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का भी आयोजन हो रहा है? जी देखिए, जगह जगह पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो कार्यकर्ता है वो जगह जगह इकट्ठे हो रखे हैं। तो क्योंकि समीक्षा बैठक लेनी है विभागीय कार्यो की, और उसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर है और शक्ति मंदिर है, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष बटौनी इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का आज ज्योति ज्योत दिवस है, और इस मौके पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया। धर्म न्याय और स्वतंत्रता के रक्षा की संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि कोटि नमन। आपके द्वारा किए गए महान कार्य हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उधर प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन पर सीएम धामी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली व भोजपुरी सहित अनेक लोक भाषाओं में गायन के माध्यम से राष्ट्रीय पटल पर एक अलग पहचान स्थापित करने वाली
पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका जाना लोक संस्कृति व संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। बाबा केदार से दिव्यात्मा को विचरणों में स्थान व शोक संतप्त परिजनों को प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद किए जाएंगे, जिसके साथ ही चार धाम यात्रा का समापन भी हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के सफल संचालन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस साल बरसात के सीजन में दिक्कत जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रा अच्छे तरीके से चली है। इसके अलावा इस साल चारधाम यात्रा के संचालन में जो खामियां देखने को मिली उनको अगली यात्रा में जरूर पूरा किया जाएगा, जिससे यात्रा का संचालन और भी ज्यादा सुगम किया जा सके। बार जिस प्रकार से आपदा की स्थिति भी रही, लगभग एक से डेढ़ महीने पूरी आपदा की स्थिति के कारण से सड़क मार्ग टूट गया था, भूस्खलन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एवरेज निकालें तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रा हुई है। केवल केदारनाथ जी की बड़ी यात्रा है और लोग आए हैं, और चुनौतियां होने के बावजूद भी लोगों का आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानियाँ हुई, आगे भविष्य में वो परेशानियाँ भी ना हों, अच्छी यात्रा चले, क्योंकि ये चारधाम यात्रा हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए एक लाइफ लाइन है, और उसको अच्छा करना और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से और अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। शिव भक्तों की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए। इस साल केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं इस यात्रा के सफल संचालन पर तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। देखिए रिपोर्ट। भैया दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा कर आशीर्वाद लिया। वहीं कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति शीतकालीन गति स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। वहीं केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थ पुरोहित समाज सहित स्थानीय व्यापारियों ने सफल और सुगम यात्रा संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष आभार व्यक्त किया। आज देखिए 2024 की यात्रा संपन्न हुई है, जिसमें कि आज कपाट मंगल हुए हैं। मैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और चारों धाम की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी यात्रा और इतने संकट, जबकि एक बार जो है यहां पर आपदा आई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है युद्ध स्थल पर यहां पर कार्य किया, और आज हम जितने भी स्थानीय लोग हैं भगवान की असीम कृपा से श्री केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख और 20 लाख के बीच जो है यात्रियों ने दर्शन किए। तो मैं समस्त केदारवासियों की ओर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं। इस वर्ष की जो यात्रा इस दिव्य धाम में चली, भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में 16 लाख शिव भक्तों ने इस दिव्य स्थान पर आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया और अपने जीवन को सुखमय बनाया, भगवान के अनन्य पुण्यों को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। इस दिव्य यात्रा में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने, और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित समाज, माननीय तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष जी ने, सभी विभागों ने, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी कर्मचारियों ने,
तन्मयता से इस दिव्य धाम की इस दिव्य यात्रा को संपन्न करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। केदार भूमि में रहने वाले हैं सभी उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और भगवान श्री केदारनाथ जी सभी लोगों का कल्याण करें, उनको सद्बुद्धि दें और निरंतर सारे जीवों के ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और सबके अंदर अनन्य शिव भक्ति का जो प्रादुर्भाव है, जो शिव भक्ति है, वो हमेशा सदैव रहे। जय श्री केदार। और इस साल की यात्रा बहुत अच्छी रही, बीच में बरसात के समय जरूर एक महीने यात्रा बाधित रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण, लेकिन फिर भी जो यात्रा रही बहुत अच्छी रही, सबका सहयोग इसमें मिला। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, श्री केदार सभा, तीर्थ कोई समाज, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, लोकल, NDRF, SDRF, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों द्वारा जो यात्रा रही, यात्रियों को सुविधा मिली, सभी ने दर्शन का लाभ लिया। और मैं भगवान श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुशी रहे, यश मिले और भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे और अगली बार भी जो यात्रा है सबसे इसी सहयोग की अपेक्षा श्री केदार सभा से, केदार सभा अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे करता हूँ। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार यात्रा में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा लोग शामिल हुए, अगली बार यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। देखिए पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना में यात्रा का समय भी थोड़ा कम रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूटा है और हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है, हर बार नए अनुभव आते हैं। अगली यात्रा के लिए हम कौन कौन सी चीजें और जुटा सकते हैं उसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। अभी यात्रा संबंधी उसके कार्यक्रमों की दृष्टि से यात्रा व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने एक नई पहल प्रारंभ की है, उस पहल का जैसे भी संविधान में आएगा वो भविष्य में आपको बताएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट पूरी विधि विधान के साथ बंद हो चुके हैं। इस साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित की ओर से सफल और सुगम यात्रा संचालन के लिए सीएम धामी का आभार जताया गया। अब उम्मीद है कि अगले साल भी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग केदारनाथ पहुंचेंगे। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि 20 नवंबर को उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की नजर केदारनाथ सीट को जीतकर हैट्रिक लगाने पर है, तो वहीं बीजेपी भी बीते उपचुनावों में हार का सूखा खत्म करने के साथ केदारनाथ में फिर से कमल खिलाने के भरपूर कोशिश में है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, कांग्रेस के पास जनता का समर्थन है। देखिए जीत का दावा क्या है, जीत तो हम रहे हैं क्योंकि वहां लोग परेशान हैं। यात्रा को जिस तरीके से बीजेपी ने बर्बाद किया है पिछले 4-5 सालों में, लोगों का व्यापार घटा है, लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। वहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, मुआवजा 20 लाख का अगर नुकसान होता तो मुआवजा 10,000-15,000 मिल रहा है। कंडी डंडी वाले, घोड़े वाले, खच्चर वाले सब परेशान हैं। जितने कानून खच्चर वालों के लिए बना दिए हैं घोड़े खच्चर वालों के लिए, उतने कानून तो चौपर्स के लिए नहीं बना रखे। बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हैं, वहाँ का व्यापार ख़राब हुआ है, वहाँ लोग अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं समझ रहे, बच्चे जो हैं बेरोज़गार पड़े हैं, वो पहले अग्निवीर से परेशान हैं, पेपर लीक और पेपर घोटालों से, वो जो पेपर लीक और भर्ती घोटाले उनसे वहाँ के लोग परेशान हैं। कोई भी अच्छा काम बीजेपी ने नहीं किया है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है और अपने 5 मंत्री लगा रखे। मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं वहाँ गया था अभी बीच में, लोग कह रहे थे साहब, हमने मंत्री जी से पूछा कि अपने 6 साल में अपने विभाग से इस केदारनाथ में क्या अच्छा काम किया ये बता दो, मंत्री जी दुम दबा के भागते फिर रहे हैं। वहीं उपचुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से भी जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से ही सनातन को कमजोर करने का रहा है, ऐसे में कांग्रेस को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा।
नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस ने आज से नहीं, उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने सनातन पर कुठाराघात करने का और सनातन को कमजोर करने का कांग्रेस ने कभी भी मौका नहीं छोड़ा है। उसके एक उदाहरण है, उसके अनेकों उदाहरण है जब उन्होंने सनातन को कमजोर करने का प्रयास किया है। और ये उनका केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर वो करते हैं, वो तो केवल कठपुतली है। इसलिए उन्होंने जो विश्व प्रसिद्ध है भगवान भोले शंकर का, जहां पर लोग आकर केदारनाथ में जो है तो आना जो है तो अपना सौभाग्य समझते हैं, उस धाम की भी प्रतिष्ठा गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। और एक काम कांग्रेस करती आ रही है, सनातन को कमजोर करने का काम कांग्रेस पहले से करती आ रही है। उधर देहरादून में जैविक उत्पाद द परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि कई अहम निर्णय लिए गए। बता दें कि यह बैठक का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जैविक उत्पाद परिषद के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 67 नए पदों को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही परिषद में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का प्रस्ताव भी सर्वसहमति से पास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जैविक उत्पाद परिषद का अध्यक्ष मुझे नामित किया और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये बैठक आउट की है। और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 3 साल में अनुभव लिया है, वो आज बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जो हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प लिया है कि हमारे कम से कम। उधर अल्मोड़ा सड़क हादसे में 8 घायलों का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायलों से मुलाकात करने नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने घायलों के परिजनों से भी बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देखिए, मरचुला की जो घटना हुई है, निश्चित रूप से हम एक उत्तराखंडी भाई बहन उस घटना से बहुत दुखी है। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई है और करीब 26 लोग जो है वो अभी इलाज उनका चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सुशीला तिवारी आना भी हुआ है और सुशीला तिवारी में एडमिट हमारे, चाहे वो महिलाएं हों अथवा हमारे पुरुष भाई हों, उनके परिजनों से भी मुलाकात हुई और उनसे भी मुलाकात हुई। और मुझे ये देखते हुए कि कल की परिस्थिति से आज उनका स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन आया है। वो काफ़ी हद तक मानसिक रूप से कह लीजिए या शारीरिक रूप से कह लीजिए, अपने आप को पहले से स्वस्थ पा रहे हैं। और जिस प्रकार से अस्पताल के डॉक्टर्स ने यहाँ पर उनकी सेवा करी है, उनकी देखभाल करी है, उससे उनके परिजन बहुत संतुष्ट हुए हैं और साथ ही स्वयं पेशेंट भी बहुत संतुष्ट दिखे हैं, जिससे मन को एक संतोष प्राप्त हुआ है। वहीं हादसे की जांच कर रहे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने को कहा गया है जहां पर एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही किसी भी तरह की सड़क रिपेयरिंग का काम जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। थर्ड, मैंने सभी डीएम से और आरटीओ से ये कहा है कि जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स में ब्लैक स्पॉट चिन्हित होते हैं और कई बार वो ब्लैक स्पॉट वैसे एक्सीडेंट के दृष्टिकोण से चिन्हित नहीं होता, लेकिन देखने से लग जाता है कि यहाँ पे ये संवेदनशील क्षेत्र है। उसमें कोई भी सिविल वर्क कहीं पे भी होना है तो वो कंसर्न्ड रोड डिपार्टमेंट को बता दिया जाए और जहाँ पे पहले से उनको पता है वो करवा दें। काफ़ी पैसा इस बीच गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया क्रैश बैरियर्स को लगभग सभी सड़कों पर। जब मैं दौरा भी करता हूँ अपना और जो डेंजरस जोन्स हैं वहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन PWD का इसमें और भी धनराशि स्वीकृत हुई है तो वो काम जल्दी से जल्दी इसकी डीएम मॉनिटरिंग करते हुए और स्वयं अपनी देखरेख में इसको जल्दी पूरा करें, ये डायरेक्शंस दिए। सर, जिस जगह पे घटना हुई है उस जगह का क्या स्थिति है, क्या क्रैश बैरियर वहाँ पहले से लगे थे या फिर? क्योंकि इसको मौके पे मैं देख के आया था, वहाँ पे ये मोड़ तो वहाँ पे काफी चौड़ा है जी। और क्रैश बैरियर उस जगह पे नहीं है। क्रैश बैरियर्स पूरी की पूरी सड़क पे कभी भी नहीं लगाए जाते हैं। क्रैश बैरियर्स हम उन जगहों पे लगाते हैं जो किसी ना किसी रिपोर्ट में चिन्हित हो जाए कि यहाँ पे खतरा, या रोड बहुत नैरो है, जहाँ पे बहुत पतली है, या फिर किसी और वजह से
दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जहां पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर डेफिनेटली हम वहां पे रोकथाम के उपाय करते ही हैं। पूर्व में जो चिन्हित हैं वहां पे काम चल ही रहा है, और इस पर्टिकुलर स्पॉट की तो क्योंकि अभी इंक्वायरी भी होनी है तो और भी जो इसमें कारण होंगे उन सबको भी देखा जाएगा और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कीर्तिनगर मामले में बड़ा खुलासा किया है। गरिमा दसौनी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2024 को कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जाखणी ग्राम सभा में जो नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने की घटना घटी वे देवभूमि को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है पर बावजूद इसके अपराधियों को कोई डर नहीं है। आज मैंने खुलासा किया है कि पुलिस प्रशासन ने प्रेस नोट दिया है, कीर्तिनगर के पुलिस प्रशासन ने जो प्रेस नोट दिया उसमें दो तीन तो मुख्य आरोपी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, लेकिन चौंकाने वाला नाम इस प्रेस नोट में वो है राकेश भट्ट का। और राकेश भट्ट के बारे में जब हमने पड़ताल करी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हमने खंगाला तो राकेश भट्ट स्वयं को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता बता रहे हैं, और तो और वो जो है स्थानीय विधायक का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो सदस्यता अभियान जो भाजपा का चला वो सदस्यता अभियान भी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ऐसे में लड़की भगाने का 27 अक्टूबर को मामला आया था, उसका धर्म परिवर्तन बहला फुसला कर करने का मामला सामने आया था। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और चार मुख्य लोगों को इसमें गिरफ्तार किया, जिसमें राकेश भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया है। पॉक्सो की, अपहरण की, धर्म परिवर्तन की गंभीर धाराएं इन चारों पर लगी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये पहला कार्यकर्ता नहीं है जो ऐसे पकड़ा गया है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक।